हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है रक्षाबंधन, और आपको मैं बता दूँ, 2 बज गए सब कुछ रेडी वेडी करते हुए। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बना रही थी, अभी दिखाऊंगी एक्चुअली कैसा दिख रहा है। और मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है जो मैंने मीशो से बाय की है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, बहुत ही सुंदर। और ये ब्लाउज इसका नहीं है, ये ब्लाउज़ मैंने रेडीमेड लिया हुआ है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और ये जो है ये जरी वर्क है, ये निकलेगा नहीं, प्रिंट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। और जिसकी साड़ी है ना, ये देखिए पूरी पाइपिंग कितनी रेड कलर की, तो बहुत प्यारी लग रही है। सो अभी मुझे ये बैंगल्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा इसी को मैं डाल लेती हूँ। और इसे ही मैंने मीशो से लिया था। और अगर आप लेना चाहते हो ना, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बैंगल्स की, साड़ी की, सब की। तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा देखो, बैंगल्स पहनने से जो मेरा लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये मैं सोच रही हूँ इसके साथ वेयर करने को, पहनने में वह अभी मैं फर्स्ट बार गई हूँ, तो बहुत सुंदर है। क्वालिटी बहुत ही प्यारी है, आप देखो अमेजिंग। यहाँ से मुड़ रहा है ना, तो जोरी हमने वेयर कर ली, अच्छी लग रही है इसके साथ। ये रिंग भी मिली थी, बहुत प्यारी सी इयर रिंग है जिसको मैं पहन ले रही हूँ। और ये रही इसकी इयर रिंग्स। देखिए कितनी सुंदर है ना। तो बस अब हम पहन लेते हैं हमारा झुमका तेज बोल। तो फाइनल लुक हमारा हो गया है, अब हम सोचे टीका भी लगा लेके। अभी देखिए मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाई, फटाफट से हो गए हैं रेडी। और अब हम क्या करेंगे बाबू? अब हम अपने अनमित को तैयार करेंगे। टीका कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। अब हम जा रहे हैं अपने बाबू को रेडी करने के लिए। और आज मैं पफ नहीं बनाई हूँ ना, तो मुझे मेरा फेस थोड़ा अजीब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि टीका निकाल दूँ। जब जो चीज़ आप करते रहते हो ना, और अगर वो चीज़ ना करो तो थोड़ा अजीब लगता है। ये है अमेजोन या फ्लिपकार्ट मीशो, जहाँ की भी होगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ टीका, बहुत प्यारी सी एयरिंग्स, और ये साड़ी मीशो की बहुत सुंदर सा गेटअप आया है। चूड़ा भी मेरा ऑनलाइन है, सब कुछ इस बार मैंने ऑनलाइन पहना हुआ है। तो सभी चीज़ की आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। और अच्छा बताओ, मेरा बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लग रहा है? नीचे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने ये सजाया हुआ है बाबू के लिए। आज बाबू को कृष्णा वाला गेटअप दूंगी। तो बस अब हम रेडी हो गए हैं, और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चलो ये देखो, कुछ इस तरीके से मैंने पूरा यहाँ से ऊपर का इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके ये पूरा सब कुछ मैंने बाबू के लिए किया, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में रक्षाबंधन जब हमारे। तो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से, है ना। नंगलो पांडे दिख रहे हैं। ये देखो मम्मा ने क्या मंगाया है। तो अभी इनकी आई है मीशो से ड्रेस, नंगू पुंगू घूम रहे हैं। डायपर ले आ बाबू, ला तो डायपर अब ले आइए हमारे घर। आ बाबू, आ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। जा मम्मी पास जाओ, मम्मी पास जाओ, बाबू इसको उठा के दे दो, तो अब जा रहे हैं मेरे बाबू क्या बनने, किसने बनने, नीचे बैठो, कान्हा बनने, कान्हा बनने। कान्हा की ड्रेस है जो है मीशो से मैंने मंगाई थी, अगर आपको चाहिए होगी तो लिंक आपको मैं दे दूंगी। काना पहले ही भाग रहे हैं बाबू, अभी तो बैठो दीदी यहाँ। काना राम भाग रहे हैं लाइट देखने। उसके नहीं, लाइट के चक्कर में भाग रहा है, इसके चक्कर में है, ट्राइपॉड के चक्कर में। तेरे बैठना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ले लो, बैठ जाओ, माउ कार्ड लेगी। देखो आधा बनेगा,
कृष्णा बनेगा कृष्णा, वो पमन पकड़ो नहीं पकड़ो नहीं पकड़ो। ये हमारे कृष्णु राम बहुत पहचान है। कौन है, कौन है? माऊ काटी, ये देखो माऊ काटी। कौन है, कौन दिया भैया को? यहाँ फूल वो बांध हो जाएगा ना, कमर वाला। दोनों पकड़ के फिर मुझे लग रहा है वो, मैं वो भी बनाई भी नहीं, बांधने वाला। ये सब कुछ जो मैं मंगाई, पहले इसको बांध देती किसको, कमर हाँ। फिर इसको पहनाती। अच्छा दे दो उसको बांसुरी, दे दो तो पकड़े रहे वही। अच्छे से दिख रहा है ये, पहले से बजाने लगा। ओ कान्हा अब तो मुरली की, भैया राखी बंधवाएगा क्या? हराम ना कर देना तुम तोड़ तार के। इसको मन्नी डाल दो पन्ने में, ये वाला बहुत चिपका है। राखी की तरह है, राखी की तरह है ये। अरे सुंदर सुंदर है, कृष्णा बन गया है, कृष्णा भाग रहा है भाई, कृष्णा भागेगा, पकड़ो जाना नहीं। जो एक और रखा हुआ ना वो वाला मैं डाल रहा, पन्नी पकड़, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसीलिए तो कहा था पहले कमर उसको बांध दे, कमर में बांध दो। ये कहाँ बांधा जाएगा? ये कमर में ही तो बांधा जाएगा। यहाँ कमर में बांधा जाएगा कि सर में बांधा जाएगा? सर वाला तो ये है ना, ये कमर वाला है। नहीं रो, नहीं रो, आ जा मेरा बच्चा, आ जा, माँ मारेगी, माँ मारेगी। दीदी पकड़ ली है, कहना रो रहा है, कहना रो रहा है, कहना अब तो मुरली की मधुर सुना दे दूं। देखो दीदी मधुर सुना रही थी, जो है अच्छा। पहले मुझे ये बांधना चाहिए था, क्या है वो बांधना, तभी तो डोरी नहीं दिखती ना, मतलब डो नहीं, फिर वो तो अच्छा नहीं, यही बांधने का। आप पागल थी तुम, क्यों ऊपर की चुनरी कहाँ बांधना, मुझे चुनरी नीचे दबेगी क्या, शायद दाबोगे नहीं, ऊपर उड़ती रहेगी क्या? मम्मा कंफ्यूज हो जाती है बार बार। ये एयररिंग्स बना दीदी, ये पीछे तो नहीं बांधेगा, हाँ पीछे ही रहेगा, आगे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा आगे, लाल वो है ना फिर वो छुप जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। मैंने ऐसे पकड़ जल्दी, काट दो काट दो, सोना क्या ऐसे तो नहीं रहेगा, ये हमको तो नहीं, नहीं पीछे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा पीछे, ऐसे ही रहेगा। बाबू काट लो और ऊपर चढ़ा मन्नी इसको इधर बगल में। बाबू क्या कर रही हो यार, इसीलिए कहा था माला बांध देता है ना, बाबू आ भैया, या ललू मोर लगा लो, लोर ये देखो, चिंदर चिंदर मेरा भैया, चुंदर चुंदर वो हसीना बड़ी, चुंदर चुंदर कौन है सुंदर, किसी सही करो ना, क्या क्या हम सब करते रहते हैं ना हमेशा। हां आखिर ऊपर नहीं देख पा रहा बेचारा, लाइट लगी पहले, बाय 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 बाय, कहां जा रहे भाई, घूमा जा रहे हो, घूमा जा रहा है, इस पे पढ़ाई नहीं, दूसरा देख लिया, इसको सब पन्नी में डालो, पन्नी बंद कर दे, अगर घूमेगा तभी आगे रिकॉर्ड करना। ये भी हाँ, ये भी सुंदर मुंदर, सुंदर मुंदर,
मैं देखूं मैं कैसे लग रही हूँ। अच्छी लग रही है। ये पीतू आ इधर आओ। लाडू इधर आओ बाबू। ये देखो क्या है मम्मा के पास। बाबू फेंक दो, दे इधर दो, दे दो। आओ ये देखो कितना सुंदर वाला माला आ गया। आ जाओ उसको रखो। आ जाओ ए या ये देखो ये हाँ तो वही सिंगारदान नहीं है छोटा वाला। सर में नहीं रहने देगा ये। अब मोर कहाँ गया? ये भी है। वो नहीं लगा, वो लग चुका है। और पहन लो अच्छे से। सुंदर सुंदर पहन लो। गाना को बहुत मुश्किल है तैयार करना। गाना बहुत दुष्ट गाना। गाना तो सदनाम थे ही। कौन सी? क्यों? भूल गए। कांधा हमेशा शैतान नटखट होते हैं। अब सीधे मना ले सीधे। अरे यार तुम तो है। बाबू बैठोगे राखी नहीं बनवाओगे? कितने कपड़ा खाली बंदा? सफेद सफेद पन्नी है? नहीं है। ये जी या हाँ ये है दे रहे माँ दे रही है। हाँ माँ दे रही है। अब चल ले जा वो सवन नहीं होगा इसके। हाँ सवन नहीं होगा लड़की को। मिठाई चाहिए दे रहा है ये। मैंने थोड़ा सा मिला दो इसको वरना ये कंट्रोल नहीं करेगा। खाता रहे तब तक। ज़्यादा दूर से मत लेना। तो अभी अनमित की है ये दूसरी राखी है ना। अनमित जय कर रहा। जय कर रहे हो? नहीं नहीं वही रखी। नहीं खिला दिया। अच्छा पहले राखी बांधी जाती है ना। तो टीका लगाओ। हल्का सा टीका छुआ ना। हाँ आओ खिला दो। आओ खिला दो थोड़ा सा। टीका लगाओ जल्दी लगाओ टीका। चलो मन्नी लगाओ। याची राखी हल्का सा छुआ दो बस नाम मात्र है उसका वो हो जाएगा ना। यहाँ छुआना चाहिए था। अब रहन दे लगा। चलो मिटारा नहीं। चलो उसके साथ चावल बीच में लगा दे। हाँ चल रख दे उसके साथ। रुक जा पहले दीदी को बांध लेना एक एक करके। लगा ली। अब आरती चले। पहले राखी बांधते फिर आरती करते हैं। लो किसकी राखी कौन सी है? गिरा दिया। गाना गाओ मेरी राखी की डोल। भैया राखी बना लो। राखी हाँ राखी बना लो जल्दी बांधो मंदी। उसको कंट्रोल नहीं होगा। वो कृष्णा है। कृष्णा की पहली राखी है कि दूसरी राखी है भाई? लोग नाम के लिए है बांध मम्मा रही है इनकी। हाँ। तुम बड़ी हो गई फिर भी नहीं बांध पा रहे हो? बांध रहे थे। लो बांध गए। अब आरती फ्लावर्स भी डालना है। इन लोग की ले रही कि नहीं? अभी उसके पास ले रही थी। अभी पूरी ले बहन।
हाथ ना मारे, बस 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 मिठाई खिलाओ मिठाई। वो मिठाई में उसकी जान अटकी है, पापा की तरह है ना, ऐसे मीठा खाने वाले। कौन से खाओगे? उसको खिलाओ यार, पूछ रही है। गिरा लेगा मम्मी। अरे मिठू खा लिया, बाबू आप बांधो, दीदी मिठाई खिलाती रहेगी। ठीक है यहाँ पे लगाइएगा हल्का, एकदम हल्का। कहाँ पे? ये यहाँ, यहाँ नीचे, यहाँ देखो, यहाँ। हाँ हाँ लगा बाबू। हाँ हाँ रुक जा रुक जा, अभी देखिएगा ये मिठी। हाँ लगा, आओ खिलाओ मम्मी। बाप रे, चल थोड़ा सा चावल, चावल हल्का सा। हाँ बस अच्छी रख दो ऊपर। फूल तो आप लोगों ने छिड़का ही नहीं मिले कानू को, कानू को। बस 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 राखी, चलो राखी बांधेगा बाबू। क्रीम क्रीम मत खिला ना। हाँ फिनिश हो गया, राखी है भैया की राखी। जय 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 जय, ओ भैया की राखी, जय कर रहा है। इसकी मनी, और थोड़ा पीछे हो जा बाबू को, देखे दिख रही है। बाबू उधर देखो, दो गठी लगा दी और खिला मनी उसको। अब बाबू खिलाएगी। हाँ बाबू खिलाइए। अब भैया की आरती। अब हम उतारेंगे। नहीं नहीं हम पकड़े हैं, आप पकड़िए हल्का सा, पकड़िए ऐसे नहीं। हाँ चलिए, बस हो गई राखी। अब फोटो खींच लो भाई, सीधी सीधी अब फोटो खींचो। सो गाइस, जस्ट अभी मैं रिव्यू भी कर रही थी कि बाबू को फिर से फीवर चढ़ने लगा, और इसको 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा बुखार आ रहा, मतलब इससे पहले भी ये परेशान था। जब से हम लखनऊ से आए थे तब से इसकी जो तबीयत थी वो डाउन डाउन से थी, फिर थोड़ा सा सही हुआ है और आज फिर से इसको बुखार आ गया है। तो आज नहीं, आज 3रा दिन है। तो हाँ भैया क्या हुआ है, कौन मारा है भैया को? हाँ तो अभी हम जा रहे हैं इसको फिर से दवा पिलानी, ये 3री बार है दवा पिलानी। फिर इसका फीवर जल्दी आराम नहीं दे रहा है। अब वो नहीं 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 करा है वो, मतलब ये जो साड़ी वो मैं पहनी ही थी कि मैं इसका रिव्यू कर लूँ, और पता है मैं अभी इतनी साड़ी पहनी हूँ लेकिन एक भी मैं रील्स नहीं बना पा रही। बस ये लग रहा फटाफट से किसी तरह वीडियो फिर बना लो बस हो जाए। और अभी ये दवा देखेंगे ना। हाँ 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 ना सुनो तो, सुनो सुनो सुनो। माँ है ना, माँ भैया को बुखार है क्या? भैया को बुखार है। हाँ तो अब हमें सोच रहे हैं इसको दवा खिला दे, पानी भी बहुत गर्म, नॉर्मल हो गया है। इसको इधर बैठाओ, इधर बैठा हाथ मार देगा। दोनों ही आप ही को बांधे, इसको ही रखाओ इसे। एक बड़ी दीदी की छोटी टीका कौन लगा? पहले कुछ लग करिए, टीका करिए, गीला करो, ये तेल लो। हाँ चलो ऐसे करके लगाइए ऐसे। हाँ अरे ये आगे ना आके बैठी है बाबू, आओ हल्का सा लगाइए टीके में, टीके में लगाइए, टीके में लगाया जाता है। अभी बांधी भूल गई, लेकिन सर पे कुछ रखे भी नहीं हो। अबे रुको, लाओ कोई कपड़ा दे दो भाई। ये रुमाल रख दे, रुमाल नहीं रख लो ना तो क्या होगा, दिक्कत है, कपड़ा ही तो है, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा अब ना आएगा, चलो वो रिकॉर्डिंग हो रही ना। हेलो चलो। हाँ टीका कर दी, उसमें बांधा जाता है किसमें बांधा जाता है? नहीं हो रहा भरा, ऐसे करके ऐसे आराम से ताकि धीरे से गिराइएगा ना, उल्टी नहीं ऐसे उधर से उबालते। हाँ ये वो भी कह रहा, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे बेटा, तुम भी उतार लो भाई। हाँ। चावल छिड़क दीजिए हल्का सा, छिड़क दीजिए ये आन्या का फोन है, गे प्रात के बाद इसे ही चलाएगी, हम नया ले आएंगे ना, पूरी खिलाइए पापा को। बस बस ठीक है उतना थोड़ा दो बेटा।
चल चलिए पैसा कौन देगा, बुआ की संधि राखी बांधी है तो फिर पैसा तो इन्हीं को मिलना भैया। अब राखी बांधी तो पैसा तो इन्हीं को मिल गया। इसको भी चाहिए, ये भी नहीं दिया है अभी उसको। कौन? आन्या को लो, दे दो दीदी को, दे दो दीदी, दीदी दे दो। अरे वाह मेरे गुड्डा, चल सोनू फोटो। पहली बार तो पैसा दिया नहीं, पैसा कहाँ देता है वो। सो गाइस फाइनली जो है अभी हम लोगों ने रक्षाबंधन वगैरह बांध लिया और आज मैं दो साड़ी का रिव्यू करी हूँ, एक ये वाली साड़ी का और इससे पहले एक और साड़ी का। तो मैंने कहा चलो अब इस ब्लॉग का एंड कर दो, बैकग्राउंड सोच रही हूँ कुछ ऐसा अपने रिव्यू के लिए मेकअप के लिए बैकग्राउंड बना लूँ, इससे क्या होता है ना थोड़ा सा खिल कर आता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसे आज मैं रिंग लाइट लगाई हूँ तो, और वैसे भी आपको पता चल रहा होगा कि इनकी तबीयत खराब है ना। तो बस हमने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर दे, और अभी हमें जाना आन्या को इंजेक्शन भी लगवाने, क्योंकि आन्या को जो है यहाँ पे लग गया था कुछ, उसे पता भी नहीं चला, इतना ज़्यादा ब्लड, इतना ब्लड निकल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मेरे बाबू को देखिए, वो सारा दिन यही करता रहता है, घर की धज्जड़ी उड़ाए रहता मेरे, ये यहाँ वाइट वाइट लगा दिया है, कहीं कंघे निकाल के फेंकेगा, कहीं कुछ फेंकेगा, कहीं कुछ करेगा। सो बहुत सारी हमने बातें कर ली, अब हम सोच रहे हैं ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और जिसको जिसको खाना हो आ सकते हैं, सुबह से अभी ये खाना खा रहे हैं। सब्जी है, तबीयत नहीं ठीक थी तो उन्होंने शेविंग कुछ पुलाव है, पुलाव नहीं सिर्फ पनीर है और पूरी है, पुलाव नहीं खाए अभी, बाद में खाएंगे। सो गए सभी, रात की बज रहे हैं 12, तो मैंने कहा चलो अभी इस ब्लॉग का एंड कर दें, क्योंकि ब्लॉग का एंड करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छे से हमने राखी बना ली, बहुत अच्छा लगा, इन्जॉय भी करें, लेकिन सच बताऊँ ना कि आजकल का जो त्यौहार है ना वो त्यौहार रह ही नहीं गया है। कोई भी त्यौहार आप देख लो, दिवाली हो, होली हो, पहले लोग कितने अच्छे से, कितनी मतलब क्या क्या चीज़ें होती थी। एक त्यौहार आता तो ऐसा लगता था ना कि शादी घर में हो रही, मतलब वो वाली फीलिंग आती थी। अब तो त्यौहार ऐसे आते हैं और चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। ये रक्षाबंधन ही बस एक मात्र नाम का ही रह गया है, भाई बहन का जो त्यौहार होता है वो भाई बहन की जो आपस में जो प्यार था, जो लगाव था, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, बस एक नाम की चीज़ें रह गई। वरना लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, भाई बहन का रिश्ता तो जैसे रह ही नहीं गया है। भाई बहन के रिश्ते में भी इंसान दिमाग लगाता है ऐसा वैसा करके, और यही सेम चीज़ आप देख लो दिवाली हो, होली हो, दिवाली आएगी तो उसमें भी लोग कहेंगे अरे ठीक है चलो ऐसे कर लेते वैसे कर लेते हैं, उसमें भी बस बेमन सी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कहूँगी सब लोगों के अंदर है, अधिकतर लोग बस ऐसे हो गए हैं। होली भी आप देख लो, होली जब आती थी लोग कितना रंग लगाते थे, मतलब ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं होता था, इंसान नहीं होता था जो बिना रंग के होली खेले, है ना। सब लोग ऐसा लगता था कि बस हमें रंग के साथ होली खेलनी है, लेकिन अब क्या यार एलर्जी हो जाएगी, रंग मत लगाओ, गुलाल मत लगाओ, चेहरा ख़राब हो जाएगा, ये वो दरवाज़ा बंद करना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अब जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल वो रह ही नहीं गया है ना, तो वो प्यार ही रह गया है भाई बहन में, हाँ तो वो त्यौहार ही रह गया है, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। लेकिन अब जब तक चल रहा जैसे इंसान चला रहा है ना, बस वही वाली चीज़ें होती हैं। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।